हैप्पी मदर्स डे। विश नहीं किया था ना मैंने, तो अब विश करनी है। ये लीजिए। लीजिए, क्यों लाई हुई ये सब यहाँ? कोई नहीं खाने वाला है। अरे पैसे नहीं लगेंगे, ये फ्री है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी लाई हूँ मैं। चल चेकी। अब तू कितने जा रहे हैं? बेबे वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, मेरी और बैंकर की। उन्हीं से रिलेटेड एक क्लू मिला है, उसी के लिए जा रहे थे। और कौन है वो विराट? अभी तक वो तो पता नहीं चला मासी। अब तो जल्दी पता लगा विराट, क्योंकि जितनी जल्दी इस बात का पता लगेगा उतनी जल्दी इस अमृता से हमें छुटकारा मिलेगा। मम फिलहाल तो यही पता चला है कि साइबर हब है, वहीं से फोटोज लीक की गई है। भाई एड्रेस मिल गया, खबर पक्की है। चल हाँ चल, खाना खा। एड्रेस मिल गया है तो वो इंसान भी मिल ही जाएगा, पर ऐसा किया किसने होगा? मेरी तो भूख ही मर गई है। खाना है सर, वो आदमी अंदर ही है। तो चलना पकड़ते हो। नहीं सर, अंदर और भी कस्टमर्स है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। भाई भाई बात तो ठीक कर रहा है यार, उसका बिजनेस है यार। और अगर ऐसे में इस बंदे को हमने पकड़ भी लिया ना, अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोलेगा ये। एक काम करते हैं भाई, छुपके इस पर नजर रखते हैं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सब कुछ देखते हैं। और वैसे भी अगर किसको पकड़ना है तो पहले उसके खिलाफ सबूत चाहिए ना हमें, क्या बोलता है? ठीक है, पर आज इस इंसान का इसके पूरे खेल का अंत होगा शेखी, किसी भी तरह। सर वो रहा आदमी, आई आजा। इसे कुछ देना है आप दोनों को। न्योता देने आई, मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो रही है आज, तो आओ जाओ के घर पे आ जाओ। और हाँ, खाली हाथ मत आना। ये मेरी पहली कमाई है, इससे कोई मिठाई पेड़ा बर्फी कुछ भी लेते आना, सबका मुंह भी मीठा हो जाएगा और इसके बाद कोई मुझे मुफ्त खोर भी नहीं कहेगा। तो तय रहा, आज शाम को सिर्फ मेरी शादी की तारीख नहीं तय हो रही, बल्कि ये तारीख इस बात की भी गवाह रहेगी कि किसने मेरी और विराट सर की ऐसी तस्वीरें खींची और इस तरह से दुनिया के सामने लिख रहा है। ओ वाओ, फिर आज तो तमाशा देखने को मिलेगा। देखने या बनने, ये तो वहां आकर ही पता चलेगा। खैर आइए गजर, आज से आई ने सही मायनों में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आई की कढ़ाई की ओनर है। बिजनेस वूमन, आप लोग चाहें तो खाना मंगवा सकते हैं, बस आप मुफ्त में ना।
हेलो क्या बाल बाल बचा पैसे क्यों दिए थे तुम्हें मैडम जी वो तस्वीरें लीक करने के लिए जिसमें विराट सर और वो आज की बात कर रही हूं मैं पैसे क्यों दिए थे मैडम वो पकड़े ना जाने के लिए और तुम पकड़े ही जा रहे थे कहा था ना तुमसे कुछ भी हो जाए विराट के हाथों नहीं लगना है तुम्हें क्योंकि अगर तुम पकड़े जाते तो मैं भी पकड़े जाती और फिर विराट को पता चल जाता कि वो तस्वीरें लीक करने वाली उसे बदनाम करके जेल तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं मैं ही थी उसकी अपनी माँ तू ठीक है निकल गया हाथ से यही प्रॉब्लम है रिलैक्स ब्रो रिलैक्स अरे कैसे रिलैक्स करूं शेखी जाने कैसे दिया मैंने उसे हो गया इट्स ओके यार नो शेखी इट्स नॉट ओके एक यही इंसान था हमारे पास उस इंसान तक पहुंचने के लिए जिसने ये सारे कांड किए अब क्या करूं अच्छा खासा पकड़ लिया था उसका उसका चेहरा भी देखने वाला था मैं पता नहीं कहां से अचानक से वो कैब आई और उसमें बैठ के चला गया कैब में कौन था कौन नहीं था उसके साथ कोई था या नहीं ये भी नहीं पता हम ठीक है कोई बात नहीं हो गया सो हो गया ठंडे दिमाग से सोच के आगे का क्या प्लान है आगे क्या प्लान है ये तो सोच लिया है एक बार ये इंसान पकड़ा गया ना उसको ऐसी सजा दूंगा साले को कि जिंदगी में फिर से किसी औरत का नाम खराब करने से पहले सोचेगा मैं क्या आशिक ये सब में ना ये बैंकर के लिए भाग डाला था उसको बेचारी को ये सारी रीति रिवाज करने पड़ रहे हैं मेरा क्या है मैं तो कर चुका हूं ये सब अपनी शो कॉल्ड रियल शादी पर तू बैंकर को जानता है उसके लिए ना ये रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं भाई बहुत अहमियत है इसकी और मैंने फालतू में उसको इस नकली शादी के प्लान में फंसा लिया भाई पर ये सब प्लान भी तो उसी का था ना आई नो ब्रो उसका ये सब कहती है सिर्फ कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि उस इंसान को पकड़ सके जिसने उसका नाम खराब करने की कोशिश की पर मैं जानता हूं ऐसा नहीं है ये जो कर रही है ना वो उसके पीछे एक और वजह है क्या मैं वो इसलिए कर रही है ताकि उस इंसान को पकड़ सके जिसने जिसने मेरे साथ बुरा किया मेरी इज्जत पे दाग लगाया जिसने मुझे जेल पहुंचाने की कोशिश की और मैंने क्या किया अच्छा खासा इंसान साला सामने आया था उसको उसको पकड़ तक नहीं पाया इतना अच्छा मौका गवा दिया कोई बात नहीं भाई वैसे भी जो भी है तेरे से बच के जा नहीं पाएगा बच के तो कहीं नहीं जाएगा वैसे वो लोग तुम तक पहुंचे कैसे मैडम जी मैं तो वो डेटा डिलीट करने गया था बस निकल ही रहा था वहां से कि विराट सर आ गए वहां पे कहा था ना तुमसे चौकन्ने रहना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मैडम जी मैंने सब डेटा सब कुछ सब डिलीट कर दिया मैंने कसम से ठीक है अब तुम अंडरग्राउंड हो जाओ जी मैडम और जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं निकलना जी मैडम ड्राइवर गाड़ी रुको नाउ गेट आउट और पकड़े जाने की गलती मत करना जी मैडम सॉरी मैडम कीप द चेंज
विराट और अमृता का फोन बंद होने से पहले उनका जो लास्ट लोकेशन था उसका पता चल गया है। मेरे बेटे को ढूंढो। इस नंबर पर आपका कॉल आता है मैडम जी। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे खास हो और इससे भी पहले मेरे लिए कुछ खास काम कर चुके हो। आज भी एक काम है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। उसके आसपास जंगल है जहां पर मेरा बेटा और एक लड़की गए हैं। तुम वहां पहुंचो और उन दोनों की ऐसी तस्वीरें खींचो जो मीडिया में आते ही उस लड़की की इज्जत की धज्जा उड़ जाए। और मैडम जी, आपके बेटे की तस्वीर भी आई है उसमें। तो आने दो, गलत संगत का यही नतीजा होता है। उसे भी सीख मिलनी चाहिए। अब तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ उनकी तस्वीरें खींचो और न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में बांट दो। लेकिन ख्याल रहे, तुम्हारा या मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, समझे? आज तक ऐसा हुआ है क्या मैडम जी? समझो आपका काम हो गया। सोचा था ये सब करके उस लड़की को बर्बाद कर दूंगी और मेरे बेटे का पीछा छूट जाएगा उससे, लेकिन नहीं, उस लालची लड़की ने दूसरा तरीका ढूंढ लिया मेरे बेटे से चिपके रहने का। विराट आहूजा, विराट आहूजा। हेलो वाधानी जी, मेरे बेटे की बेल तो हो जाएगी ना? मैंने कहा था ना आपसे, वो तस्वीरें मैंने खुद प्रेस वालों और न्यूज वालों को दी है, तो मुझे मेरे बेटे को बचाने का इंतजाम भी तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो भी बात बिगड़ने से पहले। हाँ जी मैम, आप बेफिक्र रहिए, सब रेडी है। मिस्टर विराट को जेल नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, गुड। मुझे अब मेहमान मत समझिए, अब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। हमने डिसाइड किया है कि मैं और विराट सर शादी कर रहे हैं। अमृता भवानी चिटनिस, तुझे लगता है तू ये नाटक करके मेरे बेटे से शादी कर लेगी? आहूजा के घर की बहू बन जाएगी? सपने देखना छोड़ लड़की, और अपनी तरफ आती बर्बादी को देख, उस बर्बादी को जो अब मैं तेरी जिंदगी में लाने जा रही हूं। विराट सर उस इंसान का पता लगाकर आते ही होंगे, फिर इस नकली शादी का नाटक ही खत्म हो जाएगा। बहुत झूठ बोल लिया सबसे, बहुत दिल दुखा दिया सबका, अब बस। बैंकर सर, क्या हुआ, कुछ पता चला? पता चला क्या? कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है। अरे हाथ से निकल गया वो मेरे, उसको ऑलमोस्ट पकड़ लिया था मैंने बैंकर, और सारी गलती मेरी। नहीं होना चाहिए था सर, आज आपको उस इंसान को पकड़ना चाहिए। आज साखरपुड़ा है, मुझे लगा था कि आज वो इंसान पकड़ा जाएगा और शादी का नाटक ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब हमें इस नाटक को जिंदा रखना होगा, आपकी फैमिली से और झूठ बोलना होगा। मुझे लगा था नाटक खत्म हो जाएगा, मैं आज ही के पास जाऊंगी, उसे सब कुछ सच बताऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। मुझे स्पेशली दिलदार सर से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अब मुझे वाकई डर लग रहा है सर। आपने कैसे जाने दिया उसे? आपको रोकना चाहिए था ना उसे। बैंकर, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ा जाने दिया उसे, रोका था उसे मैंने, पर निकल गया मेरे हाथ से, क्या करूं मैं? तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में? ये साकर पुड़ा वुड़ा जो भी है, ये सब करने में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा बैंकर। और मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है मेरी फैमिली के साथ रूड बिहेव करते हुए, बट हम क्या कर सकते हैं? अगर ये फेक शादी का आइडिया फ्लॉप हो गया ना, तो तुम जानती हो क्या होगा? बदनामी होगी बहुत, मेरी तो हो ही चुकी है, तुम्हारी भी होगी। तुम जानती हो ना इस सोसाइटी के लोग कैसे हैं, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें। मैंने कोशिश की बैंकर।
जितना जरूरी है ये तुम्हारे लिए है ना, उससे कई ज्यादा जरूरी मेरे लिए है। उस इंसान को पकड़ना, उस मुझे लगता है आपने जानबूझ के जाने दिया उसे। सीरियस है? हाँ, मुझे लगता है आपको ना वाकई मुझसे शादी करनी है। मेरी कंपनी की आदत हो गई, आपको अच्छा लगने लगा है, तो अब आप सोच रहे क्यों ना इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली जाए ना। पागल हो गई हो तुम, पी के बैठी हो। पी के बैठी हो? पागल तो वो इंसान होगा जो अमृता भवानी चिटनिस से शादी का मौका गवाएगा, और इतने पागल तो आप नहीं लगते मुझे। तुम क्या हो, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे मेरी हालत खराब है कि वो इंसान पकड़ा नहीं जा रहा, और तुम मजाक कर रही हो। मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मुझे वाकई लगता है कि आप उसे देख के भाग गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। हे, क्या कर रहे तुम दोनों? क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं मैम, बताइए ना। शट अप, और तमीज से बात करो मेरी मॉम से। मॉम, आप किसके मुंह लग रही हैं? चलिए घर, चलिए। दूर रहना मेरे बेटे से, समझी? वो तो इम्पॉसिबल है मैम, क्योंकि पति बनने वाले हैं ना मेरे। साखर पूड़ा है आज। शट अप, जस्ट शट अप, बहुत हो गया। बहुत कुछ होना तो बाकी है अभी मैम। आज साखर पूड़े, फंक्शन अच्छे से होना चाहिए। आपने वो लिस्ट दे दी थी दीपिका मामी को, और देख लीजिएगा कि सारा सारा सामान टाइम से आ जाए, क्योंकि मेरी आई को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं हुआ ना तो आई को बुरा लगेगा, आई को बुरा लगेगा तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा तो मैं सबको बुरा लगाऊंगी, फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ, बाय। बबीता मैम से इस तरह बात करना मेरी मजबूरी है, नहीं तो वो समझ जाएंगी कि ये सब एक नाटक है और हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। फिर हम उस इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिसने हमारी फोटोज मीडिया में लीक की। ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। विराट, तू उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। एक नहीं, हजार बार बोल चुकी हूँ मैं तुझे, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नो मॉम, आई नो, बस एक बार सच का पता लग जाने दो, पता चल जाए किसने किया ये सब। तू गया तो था ना पता लगाने, कुछ पता चला कौन है वो आदमी? पता चला और मिला भी, और मिल के हाथ से छूट भी गया। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा वो, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है। मॉम आप जानती है, मैं बस पकड़ने वाला था, आई वाज दिस क्लोज। फिर अचानक से कैब आई और वो कैब में बैठ के चला गया। ऐसे लग रहा था वो कैब स्पेशली उसी के लिए आई है, उसको ले जाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है, क्या है, किसके साथ मिला हुआ है। एक सबूत मिल जाता, फोन। जब भाग रहा था उसका फोन गिर गया था। मैं उसको पकड़ नहीं पाया, उस चीज को लेके इतना डिसअपॉइंटेड था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। मॉम, I'll have to rush. I'll see you soon. अब घर जाओ। Oh no, वो फोन तो विराट को मुझ तक पहुंचा सकता है। फोन कहाँ है तुम्हारा, इडियट? Bye. मिल गया गुनेगार तक पहुंचने का रास्ता। शेखी यार, फोन भी तो देख कौन से जमाने का, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ना कोई फोटो है, ना कोई मैसेज है, ना कोई ऐप है, कुछ भी नहीं है। बस एक नंबर है कॉल लिस्ट में जिससे फोन आया, और फिर इस इंसान ने वापस फोन किया। भाई
हो सकता है ये उसी आदमी का नंबर हो जिसने सारी प्लानिंग की है। ऑफर शिकी, एक काम कर, अभी के अभी अपने बंदे को काम पे लगाओ और ये नंबर ट्रेस कर। एक बार पता चल गया ना ये नंबर किसका है, बस सारा खेल खत्म। आज साकरपुड़ा की रस्म होने से पहले इस सारा खेल खत्म करना होगा। भाई नंबर सेंड कर दिया, शाम तक पता चल जाएगा। चल चल चल। अगर उस नंबर को ट्रेस करके कोई मुझ तक पहुंचा था तो नहीं होगा मैडम जी, नहीं होगा, सच बोल रहा नहीं होगा। मैडम जी चोरी का फोन है वो, और वो नंबर भी मेरे नाम पे भी नहीं मैडम जी। और आपने जिस नंबर से मुझे कॉल किया था वो भी मैंने किसी अजनबी के नाम से लिया था, उसे पैसे दे के मैडम जी। तो आपका पर्सनल नंबर तो वही नहीं ना, कोई नहीं पहुंच सकता मैडम जी। शट अप, तुझ पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फोन को बंद रखना ही सही रहेगा, वरना 100% विराट और शिकी इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे बंद ही रखूंगी, बाद में इसे फेंकवा दूंगी।